हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने रियो हेल्थ चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किए थे जिसमें एज़ोस्पर्मिया के केस को हिजामा के ज़रिए ट्रीटमेंट कैसे दिया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे आई, ये सब बताए थे, जिसमें बाकी दोस्तों ने कमेंट में ये पूछा था कि ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के लिए जो पॉइंट है, मेल इनफर्टिलिटी के लिए हिजामा के जो पॉइंट है वो हमें बताएं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें हिजामा के ज़रिए सीवियर ओलिगोस्पर्मिया के जो केस है उस पेशेंट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हिजामा के जो पॉइंट हैं ओलिगोस्पर्मिया के लिए वो कौन से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस पॉइंट को कीजिए ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हो। ये हमारे तीसरे पेशेंट हैं जिनका इस वॉल्यूम जो है 3 ml था, स्पर्म वॉल्यूम 3 ml था और स्पर्म काउंट 0-0, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 महीने के बाद स्पर्म काउंट 40% और स्पर्म अच्छे हैं। तो इसके अलावा और जो भाई को ज़रूरत महसूस होती है या कोई ख़दशा रहता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, और कोई मुश्किल दरकार पेश आती है तो वो भी बताएं। इसके अलावा हमने मेडिसिन भी इनको शुरू किए थे, जो यूनानी मेडिसिन थी। यूनानी मेडिसिन के लिए अगर आपको आपकी तरफ दस्तियाब नहीं है तो हम आपको आपकी तरफ दस्तियाब कर सकते हैं। हिजामा के साथ साथ बहुत सारी मेडिसिनों का भी इस्तेमाल किया है। यूनानी मेडिसिन काफ़ी हद तक दिए हैं। हिजामा के साथ साथ यूनानी दवाओं का इस्तेमाल खूब अच्छे से किया गया है। यूनानी दवाओं का काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिला है हमको। अगर आपको
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं। शुक्रिया।